Good morning, all of you. How are you today? Good. Very good. तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स, ठीक है? मैथ्स और हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर्स 1 to 10, ठीक है? जैसे आपको 1 से लेके 10 तक काउंटिंग आती है, बहुत अच्छे से आती है, तो हम पढ़ने वाले मिसिंग नंबर. मिसिंग मतलब जैसे कुछ चीज गुम हो जाती है ना, सॉरी, तो उसे बोलते हैं हम मिस होना. जैसे मान लो आप ट्रेन जा रही है ना, बीच में से एक जो बॉक्स है ट्रेन का वो मिसिंग हो जाए, है ना, तो वो प्लेस खाली दिखेगी, तो आपको जैसे मिसिंग नंबर्स, ठीक है? वैसे ही नंबर्स के साथ होता है. जैसे मान लो नंबर्स की ट्रेन जा रही है, 1 से लेके 10 तक नंबर्स की ट्रेन जा रही है, मतलब एक ट्रेन में 1 से लेके 10 तक बॉक्सेस हैं, जिसमें फर्स्ट में 1 लिखा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4. 4 के बाद एक बॉक्स में नंबर नहीं लिखा है, उसके बाद 6 लिखा है, तो आपको काउंटिंग आती है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बॉक्स में, जिस बॉक्स में नंबर नहीं लिखा है वहाँ पर 6 आएगा. तो ऐसे ही इसको बोलते हैं मिसिंग नंबर्स, ठीक है? तो अभी हम 1 से लेके 10 तक मिसिंग नंबर्स करेंगे. ये 3 रोज है, ठीक है? फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? फर्स्ट रो में सबसे पहला नंबर लिखा है 1, ओके? फिर यहाँ पर डैश ब्लैंक दिया है, फिर यहाँ पर लिखा है 3 एंड 4 एंड लास्ट में डैश, ठीक है? तो आपको इसमें मिसिंग नंबर्स, ये जो 2 ब्लैंक्स है ये है मिसिंग नंबर्स. आपको ये देखना है कि आगे वाला नंबर कौन सा है, मतलब समझ लो आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर, ये सब इसमें आ जाते हैं मिसिंग नंबर्स में. पर इजी वे है ये कि 1 के बाद आपको काउंटिंग आती है, तो 1 के बाद क्या आता है, 2, ओके? तो 2 नंबर मिसिंग था, ठीक है? अब हम आगे बढ़ेंगे, 3, 4 एंड 4 के बाद क्या आता है, 5, तो कौन सा नंबर मिसिंग था, 5, राइट? तो ये पहली रो हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ओके? अब सेकेंड रो में आएंगे हम. तो यहाँ सबसे फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है वो लिखा है 4, ओके? उसके बाद ब्लैंक, फिर 7 एंड 8, ठीक है? तो 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, काउंटिंग करो करो करो, देखो यहीं पर देखो, 4 के बाद क्या, 5, राइट? तो हम क्या लिखेंगे, 5, एंड 5 के बाद आता है 6, तो हम लिखेंगे 6, 7, 8, तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई, 4, 5, 6, 7, 8, ओके? अब थर्ड रो में क्या नंबर लिखा हुआ है, 6, राइट? 6 के बाद ब्लैंक, फिर 8, फिर 9 एंड देन ब्लैंक, ओके? तो 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, आप काउंटिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9 एंड 10, राइट? तो ये होते हैं मिसिंग नंबर जो हमने 1 से 10 तक किए हैं. कोई भी नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है? हम कैसे भी लिख सकते हैं, हम पहले वाले बॉक्स में ब्लैंक छोड़ सकते हैं, उसके बाद हम लिख देंगे 7, तो आपको ये याद रखना होगा कि 7 से पहले कौन सा नंबर आता है, तो आप यहाँ 6 लिख सकते हैं. तो मिसिंग नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आज हमने पढ़ा मिसिंग नंबर 1 to 10, ओके बच्चों? ठीक है, थैंक यू.